गिव नाम और ब्लॉग सारा दिन ऐसे ही बनाऊंगी। जी नाजरीन, अभी मैं व्लॉग तो बना रही हूँ, बारिश भी अभी थोड़ी कम हो गई है। बारिश अभी देखो सारे रास्ते रुके थे, और इस टाइम पे तो अभी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक की रहमत होनी चाहिए, जहमत नहीं होनी चाहिए। गरीब लोग जो होते हैं तो उनके लिए बड़ी ये मुसीबत बन जाती है बारिश में भी, जिनके कच्चे घर होते हैं, कच्चे मकानात, उन बेचारों का बहुत जीना मुहाल हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आना काफ़ी दुआ करनी चाहिए। तो ये बारिश इतने दिनों से हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं तो बारिशें जो शुरू हो रही हैं। अब ये कराची का शहर है, चलो ये तो रास्ते, चलो हमारा साइड ये जो है ना सही है, और काफ़ी ऐसे ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी पानी हो जाता है, और गरीब बस्तियाँ भी हैं ज़ाहिर है कराची में, तो उन लोगों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दुआ करनी चाहिए सबकी, अल्लाह पाक खाना मुश्किलें आसान करे। हमारी सुबह की रूटीन है, अभी ये काफ़ी सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मुन्ना भी खेल रहा है, अभी सालन भी बन रहा है, मेरी बहन ने सालन भी चढ़ा दिया है, बारिश भी हो रही है, अभी तो बारिश कम हुई, यानी अभी गटर वो चल रहा है। जी तो अभी मुझे भूख लगी है, मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँ, लेकिन अभी सुबह सुबह मेरी सिस्टर ने ये सालन बनाया है, अभी वो शाम में कह रही है कि पकोड़े भी बनाएंगे, बारिश हो रही है। तो मैंने कहा जब तक मैं थोड़ा सा ये सालन निकालूँ तो फिर सालन रेसिपी मैं आप लोगों को दिखा देती, मेरी बहन बना रही थी, लेकिन मैं अभी थोड़ी बिजी हो गई, दूसरे रूम में थी, नहीं तो दिखा देती। अभी इसको ढक्कन लगाऊं और ये चम्मच रखूँ, इधर वही गिर गया, यहाँ पे रख लेती हूँ। अब मैं रोटी निकालूँ फिर दिखाऊँगी। अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, बस मेरी दोस्त आ गई है, ये अब हम उनके पास, अभी हमारी दोस्त की डेथ हो गई है तो उनके पास हम जा रहे हैं जोरपाई के लिए।